साल 2020 पर्यटन की दृष्टि से धर्मनगरी हरिद्वार में बिल्कुल भी खास नहीं रहा। जहां हर साल हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी, इस साल लाखों में ही सिमट कर रह गई। हरिद्वार के होटल व्यवसायी विभास मिश्रा के अनुसार, इस साल हरिद्वार का होटल व ट्रैवल व्यवसाय काफ़ी नुकसान में रहा है। हरिद्वार में सीजन के दौरान होटलों में कमरे नहीं मिला करते थे, पर इस पूरे साल होटल व्यवसायी व ट्रैवल व्यवसायी यात्रियों के लिए तरसते दिखाई दिए। 22 मार्च 2020 को कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके बाद होटल ट्रेवल टूरिज्म से जुड़े व्यवसाय पर सबसे बड़ी मार पड़ी है, जो आज तक हम उस मार्ग से उबर नहीं पाए। और हरिद्वार के कारोबारियों की विडंबना देखिए कि चूंकि हरिद्वार में 2021 में कुंभ होने वाला है, तो उसकी वजह से रेल मार्ग पे ट्रैक पे काम होने की वजह से उसको बाधित कर दिया गया था। मैक्सिमम ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी। उसकी वजह से 2019 अक्टूबर की से लेकर के आज तक होटल कारोबारी आज तक परेशान चला रहा है। ऐसे में कोरोना ने आकर होटल कारोबारियों की और ज़्यादा कमर तोड़ दी है। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल ने बताया, पिछले साल हरिद्वार में 21 करोड़ यात्री आए थे, जो इस बार 2020 में केवल 40 लाख के करीब यात्री ही हरिद्वार पहुंचे हैं। उनमें से ज्यादातर यात्री अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करने व पिंडदान करने आए हैं। मार्च 2020 तक हरिद्वार में यात्रियों की संख्या बराबर रही। जैसे ही कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू करे, तो हरिद्वार में होटल व ट्रैवल व्यवसाय बिल्कुल ही बंद रहा। जितने यात्री इस पूरे साल हरिद्वार में आए, इतने यात्री केवल जून और जुलाई में ही हरिद्वार आ जाया करते थे। पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत ख़राब साल रहा है, क्योंकि कोविड महामारी आने के कारण जो है लॉकडाउन लगने के कारण हमारी जो है सारे लगभग सारे स्नान भी स्थगित हुए हैं और हमारी कांवड़ मेला भी स्थगित हुई है और जितनी भी हमारी ट्रेन्स वगैरह सब लगभग बंद रही हैं। और जो भी है कमी यात्री आया, क्योंकि मेनली जो है हमारे गंगा से संबंधित अस्थि विसर्जन और थोड़ा बहुत यात्री जब से लॉकडाउन खुला है तो कुछ यात्री अपने अपने वाहनों से कुछ लोग आ रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।